welcome to affairs cloud. my name is vikas rana. we are one-stop solution for current affairs. you can find our crack current affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. you can use code vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. this video is available both in english and hindi. the timestamp for both english and hindi are mentioned in the description of each video. you can contact us on the number provided or mail provided also follow us on telegram and instagram and the link for the same is provided in the description of each video also students this is our homework sections free subscription contest follow the procedure and win pull one year affairs cloud current affairs subscribe also students we have started a new initiative that is of handwritten notes it is helpful to understand the news daily, time-saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on Daily Current Affairs Content PDF at our mobile application and website carrierscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मे मंथ के चलिए स्टार्ट करें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम एशिया जिन्होंने भी रिसेंटली पैंतीसवां गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीता जिसको हम ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं तो कौन है वो व्यक्ति वो है आलोक शुक्ला राइट आलोक शुक्ला ये कन्वर्नर है ऑफ द छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन एंड इन्होंने काफी यहाँ पे संघर्ष किया है काफी अपना टाइम डेडिकेट किया है लाइफ को डेडिकेट किया है फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है में गोल्डमैन एनवाटल प्राइज से नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली वन द ट्वेंटी फोर कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन दैट इज मीना रीजन कौन रहेंगी ये हैं जीना जस्टस ये अभी करंटली जीना जुस्तुस याद रखेंगे इनके जो एजुकेशन के एफर्ट्स हैं टीचिंग के एफर्ट्स रहे हैं राइट उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया विद दिस डेडिकेटेड कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड थे इंडिया की हैं ये मीना मिश्रा एंड करंटली ये डॉक्टर सर्रेपल्ली राधा कृष्ण इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं इन मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली वन द नाइन्थ एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फॉर द बुक ब्यूटिफुल तो कौन है ये किन को सम्मानित किया गया है तो वो रहेंगे राइट ऑप्शन क्या रहेगा कौन सी बुक है कौन सी बुक है द बुक ब्यूटिफुल द बुक ब्यूटिफुल की जो ऑथर है कौन है वो है भाभी मेहता राइट और इनको सम्मानित किया गया है नाइन्थ एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइस से नेक्स्ट नेम द हु हैज पर्सनैलिटीज रिसेंटली अवार्डेड विद द वाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 बाय वाइटले फंड फॉर नेचर इन लंडन यूके तो वो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन राइट ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है ये असम से बिलोंग करती हैं एंड इनको यहां पर अभी सम्मानित किया गया है वाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 से जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं ठीक है नेक्स्ट इनमें प्रो पब्लिका वन द 2024 ट्वेंटी फोर डैश अवार्ड इन जर्नलिज्म अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी तो प्रो पब्लिका को पुलजर प्राइज से सम्मानित किया गया था पुलजर प्राइज आपके जर्नलिज्म बुक्स ड्रामा म्यूजिक के लिए सम्मानित किया जाता है मेनली जर्नलिज्म में दिया जाता है पुलजर प्राइज ये याद रखेंगे राइट तो जर्नलिज्म के लिए अंडर पब्लिक सर्विस कैटेगरी प्रो पब्लिका को यहाँ पे पुलजर प्राइज से सम्मानित करा गया

एंड इनकी टोटल अर्निंग आ जाती है टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मिलियन डॉलर एक साल की राइट सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं जॉन रैम ये कौन है ये गोल्फर है इनकी आ जाती है सेकेंड हाईएस्ट अर्निंग दो सौ अट्ठारह मिलियन डॉलर की तीसरे पोजिशन पे आ जाते हैं लाइनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं इनकी अर्निंग है एक सौ पैंतीस मिलियन डॉलर नेक्स्ट नेक्स्ट है किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड को जीता फॉर एनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन पब्लिक पॉलिसी ड्यूरिंग द जियो स्पेशल वर्ल्ड फॉरम हेल्ड इन रोटरडैम इन नीदरलैंड तो वो रहेगी इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर राइट इन्होंने भी जियो स्पेशल लीडरशिप अवार्ड को जीत लिया है फॉर एनेबलिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन द पब्लिक पॉलिसी नेक्स्ट इन में सेला टनल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियाज़ हाईएस्ट टनल बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड यूके में ये जो सेला टनल है ये कहाँ पर है ये अरुणाचल प्रदेश में रहेगी तेरह हजार फीट ऊपर रहेगी आपके ग्राउंड वाटर लेवल से फिर इसी को याद रखेंगे सेला टनल कितनी बड़ी है टू पॉइंट फाइव नाइन एट किलोमीटर लंबी आपकी ये सेला टनल रहेगी अरुणाचल प्रदेश में नेक्स्ट नेम द बुक रिटन बाय जेनी एंड ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन दैट इंटरनेशनल बुक ऑफ प्राइस दो बुक का नाम रहेगा नेक्स्ट हु हैज़ बीन द कंफर्ट दो हजार चौबीस शॉप प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी तो किनको सम्मानित किया गया है वो है श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी जी को नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिस जीरो टू लैंडफ़िल अकॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये त्रिवंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये त्रिवंद्रम में है केरला में एंड ये नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द वेस्ट जो ये जनरेट करते हैं उसको ये रिसाइकल कर लेते हैंबली मैनेज करते हैं ये एयरपोर्ट आपका वर्क कर रहा है फाइव आर प्रिंसिपल्स पर फाइव आर क्या है रिड्यूस रीयूज प्रोसेस रिसाइकल एंड रिकवर नेक्स्ट नेक्स्ट है वन द प्रिस्टिजियस अमल क्लूनी वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड एट द प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड इवेंट इन यूके टू रिकॉग्नाइज हर रोल इन द पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव वो है आरती ये एक रिक्शा ड्राइवर है राइट एंड ये वीमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे इंकरेज कर रही हैं एंड यंग वीमेंस को यहाँ पे इंकरेज कर रही हैं ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव के अंडर आ सकें एंड बाकी यंग गर्ल्स भी ऐसा रिक्शा भी चलाकर वो अपना घर को पे पैसे अन कर सके और घर चला सके कैटेगरी इन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट ग्रीन रिकॉग्निशन तो वो रहेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू डेली मेंिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रिक्स एट द केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द इंडियन फिल्म ऑल वी कैन इमेजिन एज लाइट तो वो है पायल कपाडिया इन्होंने ग्रैंड पिक्स अवार्ड को जीता है ये कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सेकेंड हाइस्ट अवार्ड रहेगा राइट एंड यहीं पर जो हाइस्ट अवार्ड है वो है पाम डी ये अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया कौन सी मूवी के लिए अनोरा के लिए अनोरा मूवी का नाम है ये एक आपकी अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है एंड इस बुक को ये जो पामेड्यूर दिया गया है किन को दिया गया है शॉन बेकर को राइट फॉर हिज मूवी अनोरा करेक्ट तो आ करके चलेंगे एंड ये सेवेंटी सेवेंथ एडिशन था आपका एनअल केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का राइट right? तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर्स पर ई रिक्शा ड्राइवर आरती हमने देखा इनको यूके के वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड से कन्फर्म किया गया देन चिंदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो वन द लॉ साइन एफ अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म एंड अनुसुईया सेन गुप्ता वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म शेमलेस पायल कपाडिया वन द कंट्रीज फर्स्ट एवर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट दी सेन्स फिल्म फेस्टिवल एन एच पी सी को ऑनर किया गया द इनॉमिक टाइम्स एच आर वर्ल्ड फ्यूचर रेडियो ऑर्गनाइजेशन अवार्ड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए मेजर राधिका सेन रिसीव दू एन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दैन पी एफ सी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसीव द सी एस आर चैंपियन अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर माक करेंगे इसको नेक्स्ट है ओ टी टी प्ले बैड विद द आई एन एम ए ग्लोबल मीडिया अवार्ड पुलजर प्राइज के विनर्स अनाउंस किए गए दैन जीनियस बॉस ऑनर्ड विद द बी आई एस क्वालिटी एंड ब्रांडिंग एक्सीलेंस पवन सिंधी ऑनर्ड विद द ग्लोबल प्राइड फॉर सिंधी अवार्ड हेमंत खत्री रिसीव द पी एस यू समर्पण अवार्ड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टू बी ऑनर्ड विद द ऑनरेड डॉक्टरेट बाय द कैनेडाज मैगिल यूनिवर्सिटी

फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी यूनिट टू एनहेंस इट्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है नेक्स्ट इन विद सिटी इंडिया हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड मेड इन टेस्ट फायरिंग ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड फिफ्टीन हंड्रेड हॉर्स पावर इंजन फॉर द इंडियन आर्मीज मेन बैटल टैंक तो कहाँ पर इसको मैसूर कर्नाटका में अभी रिसेंटली यहाँ पे इन विद सिटी ऑफ इंडिया इट इज़ इन

तो इसका नाम क्या रहेगा लेजर वेपन का तो ये है ड्रैगन फायर राइट एंड ये यूके के द्वारा टेस्ट किया गया था आपका लेजर वेपन नेक्स्ट नेम द एप दैट इज रिसेंटली डेवलप्ड बाय आईसीआर का आम सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट टू एंकरेज सिटीजन साइंस इनिशिएटिव्स इन मरीन फिशरीज रिसर्च तो इस एप्लीकेशन का या फिर इस एप्लीकेशन uh, का क्या नाम रहेगा मार्लिन एट सी एम एफ आर आई मार्लिन का मतलब क्या है यहाँ पर मरीन फिशरी मशीन लैंग्वेज रूटीन ऑफ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेसिकली मरीन फिशरीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए नए नए इनिशियेटिव लाने के लिए ये एप लॉन्च की गई नेक्स्ट एप विच काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैाराभाई स्पेस सेंटर टू स्केल अप एडवास मटीरियल फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो वह है एन आई आई एस टी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक को टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा कहां पर तो इसको चित्र दुर्गा कर्नाटका में टेस्ट किया गया नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च इंडियन आर्मी इनिशियल बैच ऑफ द न्यू इंडिजिनियस इंटीग्रेटेड ड्रोम डिटेक्शन इंटीग्रेशन सिस्टम अलॉन्ग ऑफ़ द चाइना इन मार्च पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने डेवलप किया ये आई डी डी एन आई एस सिस्टम अलॉन्ग विद डी आर डी ओ तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप करा गया है नेक्स्ट इन मार्च द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज डेजिग्नेटेड दैट विच एस्ट्रॉयड एज टू वन फाइव एट एट फोर जयंत मूर्ति नेम्ड आफ्टर इंडियन प्रोफेसर जयंत मूर्ति तो एस्टेरॉयड का नाम क्या रहेगा 2005 EX296 एंड इसी को एस्टेरॉयड को जयंत मूर्ति जी जो कि इंडियन प्रोफेसर है उनके नेमिंग के बिहाफ पे IAU ने इस एस्टेरॉयड की नेमिंग करी करेक्ट उनको ऑनर करने के लिए नेक्स्ट नेम द पोर्टल दैट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट इजीियर वोटिंग फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी तो इसका नाम क्या रहेगा सक्षम इससे क्या है कि कि जो persons with disabilities हैं वो easily vote कर सके, उनके लिए ये किया किया गया Even यहां पे किया गया पे कोई भी वोटर रहना जाए इसीलिए इलेक्शन पिचासी साल से ज्यादा की एज का है एंड जो फोर्टी परसेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है जिनकी इससे चालीस परसेंट से ज्यादा तो उनको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि वो वोट फ्रॉम होम कर सकते हैं स्पेसएक्स के के 9 रॉकेट ने अभी किस एयरक्राफ्ट को ऑफ नासा कैरी करा इन टू स्पेस जो कि फॉर द स्पेस मिशन था फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए तो ड्रैगन स्पेस को यहाँ पर भी कैरी किया गया स्पेस एक्स के द्वारा के के द्वारा नेक्स्ट इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवेज सरबंदना सोनोवाल वर्चुअली इनग्रेटेड 60 टी बोला नेम्ड ओशन ग्रेस एंड ये जो बुलार्ड पुल ट्रक है ना ये फर्स्ट एवर मेड इन इंडिया अप्रूव स्टैंडर्डाइज्ड टग है डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन टग्स एट पेरादीप पोर्ट इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया कमीशन किया गया पूछा जा रहा है ये जो टग है ओशन ग्रेज इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस टग को डेवलप किया गया है 45 करोड़ रुपीस की लागत से इसको यहां पे डेवलप किया गया है नेक्स्ट नेम द इंडियन नेवल शिप दैट रिसेंटली बाय द इंडियन नेवलशिप दीटलीट मिनिकॉय दोस्ट आईलैंड सेकंड नेवल बेस है इंडिया right? का लक्षद्वीप में मीनिकॉय पे जो पहला था वो कहाँ पर है कावरती में और वहां पे कौन सा इंडियन नेवल शिप कमीशन किया गया था आई एन एस द्वीप रक्षक द्वीप रक्षक राइट right? नेक्स्ट इन विच सिटी इंडियन नेवल एयर स्क्वाडर्न सी हॉक्स इंडिया का पहला एमएच सिक्सटी आर मल्टीरोल हेलीकॉप्टर स्क्वाडर्न कमीशन इन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी कहा कोची केरला में इसको कमीशन करा गया था करेक्ट इंडिया का पहला एमएच सिक्सटी आर मल्टीरोलीकॉप्टर स्क्वाडर्न नेक्स्ट नेम द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स दैट इज रिस एयर ड्रॉफ्ट एंड एक्स्ट्रा लॉन्ग हैवी इंडिजीनियसली डेवलप प्लेटफॉर्म तो उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम रहेगा सी वन सेवन एयरक्राफ्ट राइट ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एंड ये जो प्लेटफॉर्म ड्रॉप किया गया टन का ये लोड यहां पे ले सकता है नेक्स्ट इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि फाइव ब्लास्टिक मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल दई आरबी टेक्नोलॉजी अंडर विच मिशन तो ये अंडर मिशन दिव्यास्त्र था दिव्यास्त्रा का मतलब होता है डिवाइन पावर Right? So, राइट डिपन टेस्ट किया गया, था? ये ब्लास्टिंग से लगी गया right? this, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशन जिनके पास एम आई आरवी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट इज दीपक मोहंटी चेयरपर्सन ऑफ पी एफ आर डी एनोग्रेटेड द नेशनल पेंशन सिस्टम वेब एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूशन विच कंपनी डेवलप द एनपीएस वेब एप्लीकेशन तो ये है जरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड इनके द्वारा डेवलप किया गया है ये एनपीएस वेब एप्लीकेशन को ठीक है एंड ये ऑफर करता है एनपीएस की काफी सारी ऑफर्स एंड सर्विसेज फॉर द यूजर्स ताकि वो अपने अकाउंट को इजिली मैनेज कर सके नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया अग्रह एंड अक्षय जो कि फिफ्थ एंड सिक्स शिप ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर है शेलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया तो

नेक्स्ट वैन वॉज वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब तो वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे पांच मई को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब एंड कार्टूनिस्ट इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड उनको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट वैन वॉज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम वर्ल्ड माइल चैलेंज तो थीम क्या रहेगी वर्ल्ड माइल डे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की वर्ल्ड माइल चैलेंज एंड सात मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब नेक्स्ट when was un time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the second world war observed across the globe in 2024 तो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये 8th 9 मे को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब नेक्स्ट when was the second technology day observed across india तो सेकंड एडिशन ऑफ द या फिर हम बोले वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे हमने 11 मे को ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब एंड इस बार हमने

Nurses, तो कब ऑब्जर्व किया जाता है ये डे तो पाँच सॉरी बारह मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे एंड थीम रहेगी आर नर्सेस आर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर नेक्स्ट व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कब ये ऑब्जर्व किया जाता है सोलह मई को नेक्स्ट

नेक्स्ट वेन वॉज द वर्ल्ड टेलीकोम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब तो सत्रह मई को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट वेन वॉज द वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हाइपर टेंशन एंड स्टिमुलेट ग्लोबल एक्शन टू कॉम्बैक्ट हाई ब्लड प्रेशर तो हम ये कब ऑब्जर्व करते हैं सत्रह मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है राइट चलिए नेक्स्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन कब एंडेंजर्ड स्पीशीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं थर्ड फ्राइडे ऑफ मे को ताकि जो एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फोना है उनकी स्पीशीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके नाइनटीन एडिशन रहेगा इस डे का सेलिब्रेटिंग सेविंग स्पीशीज थीम रहेगी नेक्स्ट वेन वॉज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया बाइफोबिया एंड ट्रांसफोबिया ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू कमरेट द डिसीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू डी क्लासीफाई होमोसेक्सुअलिटी एज अ मेंटल डिसऑर्डर इन नाइनटीन नाइनटी तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है सत्रह मई को नेक्स्ट वेन वॉज इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ म्यूजियम इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन तो अठारह मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च नेक्स्ट वेन वॉज वर्ल्ड एड्स डे या फिर एच आई वी वैक्सीन नॉलेज डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब तो 18 मई को ये डे ऑब्जर्व क्रिएट ऑब्जर्व किया जाता है एंड याद रखेंगे सत्ताईसम सेवनटीन ट्वेंटी सेवन एडिशन है इस डे का एंड रेड रिबन यहां पे सिंबल रहेगा नेक्स्ट व्हेन वाज वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशंस तो वर्ल्ड बी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब तो वर्ल्ड बी डे हम ऑब्जर्व करते हैं बीस मई को नेक्स्ट वेन वॉज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी बीस मई को हम ऑब्जर्व करते हैं राइट थीम रहेगी सस्टेनेबिलिटी इसकी एंड यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट वेन वॉज यू एन वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड कल्चर तो इक्कीस मई को ये डे ऑब्जर्व करते हैं हम राइट एंड द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इक्कीस मई दो हज़ार तीन में ऑब्जर्व किया गया था नेक्स्ट वेन वॉज यू एन इंटरनेशनल टी डे अक्रॉस द ग्लोब सो इंटरनेशनल टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं इक्कीस मई को राइट right? ये फिफ्थ एडिशन था इंटरनेशनल टी डे का फिर आ जाते हैं इन मार्च इसरो ने अनाउंस किया दैट द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल थ्री ऑफ विच लॉन्च व्हीकल री एंटर्ड द अर्थ एटमोसफेयर विद जीरो पी एस एल वी सी फिफ्टी एट ये आपका एक लॉन्च व्हीकल था राइट right? और ये जब वापस अर्थ में री करा तो इसने ऑर्बिट में कोई भी आपका डेब्रेस छोड़ा नहीं जीरो यहां पे लीव किया एंड ये बर्थ में अर्थ में वापस री करा नेक्स्ट विच कंपनी हैज थ्री जीरो टू सेटेलाइट टू मॉनिटर एटमोसफेरिक एंड स्पेस एनवायरमेंट तो चाइना के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया यूनहा थ्री जीरो टू सेटेलाइट टू मॉनिटर एटमोसफेयरिक एंड स्पेस एनवायमेंट नेक्स्ट

राइट right, ये एक हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है एंड उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया कलाम 250 फिफ्टी अदरवाइज कॉल द स्टेज टू ऑफ द विक्रम वन स्पेस लॉन्च व्हीकल नेक्स्ट नेम द फाइटर एयरक्राफ्ट दैट इज रिसेंटली कंप्लीटेड द फर्स्ट फ्लाइट इन बेंगलुरु कर्नाटका तो तेजस मार्क वन ए ये आपका फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसने कंप्लीट किया फर्स्ट मेडन फ्लाइट इन बेंगलुरु कर्नाटका